धार जिले के रिंगनोंद की रहने वाली 21 वर्षीय बेटी ने अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर जिले का नाम रोशन किया है। अंकिता मंडल ने बताया कि ऐसा रोबोट है जो किसानों के काम को बहुत आसान कर देगा, जो मोबाइल एप्लीकेशन से चलेगा। इंदौर के आईपीएस एकेडमी में स्कूल ऑफ कंप्यूटर की फाइनल ईयर की छात्रा अंकिता मंडल, दीपक पटेल, गणेश पाटीदार, आयुषी चौबे ने अपने मनीष पुंडलिकल, आफ्ताब कुरेशी, रोहित कुमार व्यास के मार्गदर्शन में काम करते हुए साथियों के साथ रोबोटिक मॉडल बनाया है। अब वह यूरोपीय देशों में इसका डेमो देगी। गांव की अंकिता मंडल ने बताया कि हमने इतना स्मार्ट ट्रैक्टर बनाया है जो खेती कार्य से जुड़ा हुआ है। इस ट्रैक्टर में जीपीएस सिस्टम, सेंसर और 3 कैमरे लगे हैं। इसे मोबाइल से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और बिना ड्राइवर के चला सकते हैं। सेंसर से पूरा दिन का डाटा सेव होगा। यह सोलर एनर्जी से चलेगा, मतलब बिना डिजिटल के ट्रैक्टर चलेगा। इस तकनीक से पता चल सकेगा कि खेत में कितनी नमी है, कितने पानी की जरूरत है। साथ ही यह दवाई का छिड़काव भी कर सकता है, कल्टीवेटर कर सकता है, हार्वेस्टिंग का काम करेगा। यह भी पता चल सकेगा कि फसल में कौन सी बीमारी लगी है और दवाई की कितनी फसल की आवश्यकता है। 10 दिन में मौसम की जानकारी भी मिलेगी। मॉडल को बनाना आसान नहीं था। सभी ने मिलकर 2 साल में सभी उपकरण जुटाए और 6 माह में मॉडल को तैयार किया। इसमें स्कूल के कॉलेज के प्रोफेसर का भी सहयोग रहा। इंदौर आईपीएस कॉलेज के छात्रों ने कई अवार्ड भी मॉडल के माध्यम से अर्जित किए हैं। अहमदाबाद में भी अवार्ड मिला। साथ ही जब अंकिता इसका डेमो यूरोपियन देशों में देगी, 29 नवंबर को वह कार्यक्रम आयोजित होगा। टीम 15 से 20 अगस्त को चाइना के शंघाई में हुई प्रतियोगिता में चैंपियन बनी है। बेटी अंकिता की सफलता पर पिता बहुत खुश हैं, जो बताते हैं कि बेटी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार है, जिसकी पढ़ाई के लिए बहुत जतन किए। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं रखी, जिसका नतीजा है कि बेटी आज इस मुकाम पर है। वही बेटी की सफलता पर माँ की आंखें भी भर आई। माँ ने कहा कि बचपन से बहुत दुख उठाया और बेटी को पढ़ाया। आज बेटी ने ना केवल गांव का, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। बेटी की सफलता पर उन्हें बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोझ नहीं होती, बेटियों के कारण ही आज हमारा नाम हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बेटी और उनके दोस्तों की मेहनत को जाया नहीं होने देना चाहिए, सरकार इसकी यथासंभव मदद करे जिससे यह प्रोजेक्ट किसानों को समर्पित हो सके। अंकिता मंडल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को दिया। अंकिता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफी दिक्कतें हुई, परंतु परिवार ने उनका हौसला बनाए रखा और प्रोजेक्ट हेड ने उनका बहुत सहयोग किया, जिसके कारण कड़ी मेहनत के बाद वह सफल हो पाई। उन्होंने कहा कि दोस्तों के साथ मिलकर टीम वर्क के साथ इस प्रोजेक्ट को किया गया, जिसके कारण यह सफलता मिल पाई है। अंकिता ने कहा कि आज हमारे देश के नौजवान खेती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इस सिस्टम के माध्यम से किसानों को अच्छा मुनाफा हो सकता है, लिहाजा इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। सरकार को पहल करनी चाहिए जिससे जागरूकता आएगी। आपके द्वारा एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया गया है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी सफलता आपको कैसे मिली और किस प्रकार से यह काम करता है? जी, जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका नाम है रिक अथर्व स्मार्ट ट्रैक्टर है। ये हमने जो नई टेक्नोलॉजी और जो हमारी ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते उन दोनों का मिक्सअप करके बनाया है। इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करी है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करी है और IoT यूज़ करी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कम्प्लीटली मोबाइल से ऑपरेट होगा। इसमें ऐसा है कि ड्राइवरलेस भी और मैनुअली भी है। ये सोलार एनर्जी के थ्रू चलेगा। इसमें बैटरी है बैकअप के लिए। जो हमारे हमने फोकस करा है कि जो इंडिया की 7 प्रॉब्लम्स है वो ये किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। ये ऑटोमेटिक सीड सोइंग करता है, ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग का काम करेगा, ऑटोमेटिक कल्टीवेटर है, जो ऑटोमेटिक वाटर एंड स्प्रिंकल की जो प्रॉब्लम्स आती है, इन्फेक्शंस होता है ह्यूमंस को, ये भी ये ऑटोमेटिक करेगा। इसमें कौन सी दवाई कैसे क्या डालनी, हमारी एक पूरी मोबाइल एप्लीकेशन है जो ये बताएगी कि आपके क्रॉप में कौन सी पेस्ट लगे हुए, कौन से कीड़े, तो ये पूरे पेस्टिसाइड्स बताएगी और किस तरीके से इसे डालना है। पूरा डेटाबेस का काम है इसमें। और इसमें GPS भी है कि जैसे ट्रैक्टर मैनुअल ड्राइवरलेस कहीं गया है या कहाँ पर है, तो ये पता करने के लिए हम घर बैठे ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर है। इन सब में किनका सहयोग रहा, कौन कौन लोग आपके साथ हैं? जी, इसमें मेरी टीम है, हम 4 लोग हैं, गणेश पाटीदार, दीपक पटेल, आयुषी चौबे और 2 हमारे प्रोफेसर हैं जिन्होंने हमारी सबसे ज़्यादा मदद करी। मतलब
इस कंपटीशन में आना, कैसे क्या करना है, कहाँ से हम सीखेंगे नई चीज़ें, प्रोफेसर अफ्ताफ कुरैशी और प्रोफेसर रोहित कुमार व्यास और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मनीष पुंडलिक ने भी हमारी बहुत मदद करी। किस प्रकार की कठिनाइयाँ आई और किस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में किस प्रकार से जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई हमें कि यहाँ कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे क्या हो रहा है। फिर हम हमारे कुछ टीचर्स थे जो ये समझते थे कि इलेक्ट्रिशियन और प्रोग्रामिंग को कैसे क्या कनेक्ट करना है, फिर हमने उनसे हेल्प ली। यहाँ तक कि जो बैटरी इसमें बनाई गई है स्टोर करने के लिए वो खुद हमने बनाई है, पूरा समझ कर उन्हें हमें समझाया कि इसे कैसे क्या कनेक्ट करनी है, पैरेलल में सीरीज़ में कितनी वोल्ट की बनेगी, सब कुछ बताया उन्होंने। और कितने अवार्ड मिले हैं? और हम रीजनल लेवल पे सेकंड आए हैं और नेशनल लेवल पे हम फर्स्ट आए हैं और चाइना में भी हमें बेस्ट परफॉर्मेंस से अवार्ड किया गया है। इतने कम उम्र में अपने इतना अच्छा काम किया है, तो सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी और अपने टीचर्स और अपने टीम को देना चाहूँगी। अगर शायद हमारी फैकल्टी नहीं होती अफ्ताब सर और रोहित सर और मनीष सर, तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मनीष सर ने हमारी बहुत मदद करी, अफ्ताब सर पूरे टाइम लगे रहे। हम बहुत बार ऐसा हुआ कि हम इसे करें ना करें, बहुत सारी मुश्किलें आई क्योंकि बहुत मुश्किल था इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना। उन्होंने हमेशा हमारा सहयोग दिया, हमारा आत्मबल बढ़ाया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया कि हम इसे करें, इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ना छोड़े। कितना खर्चा आया इसमें? अगर किसान इसको यूज़ करता है तो कितना खर्चा आएगा? अगर किसान इसे यूज़ करता है तो उसे 12 लाख रुपये का मिलेगा, पूरे सेंसर बैटरी सब कुछ के साथ 12 लाख। हाँ प्रोजेक्ट इसको मिल जाएगा जी, ठीक प्रकार से काम करेगा जी, ये बिल्कुल ठीक प्रकार से काम करेगा और जो इसकी बैटरी है वो 10 साल तक आपको पीछे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट को यही चाहूँगी कि हमारे फार्मर्स को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हमने इंटरव्यूज़ भी लिए फार्मर्स से, हम जाकर मिले, हमने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। उनका एक ही होता है, उनके जो बच्चे जो मेरी एज के होंगे वो किसान बनना ही नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उस तरीके से फ़ायदा ही नहीं होता, मेहनत ज़्यादा लग जाती है और उन्हें उस तरीके से प्रॉफिट ही नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे और इस तरीके के इक्विपमेंट्स को बाहर लाए, किसानों की मदद करे, क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है हमारी वो पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें। आपका नाम कहाँ पढ़ते हैं? आई एम अंकिता मंडल, आई एम स्टूडेंट ऑफ IPS अकेडमी स्कूल ऑफ कंप्यूटर्स, आई एम परसुइंग MCA। बेटी ने बड़ा ना काम किया है, नाम रोशन किया, क्या कहना चाहेंगे? जी हमें बहुत खुशी है हमारी बेटी यहाँ तक पहुँची है, बहुत स्ट्रगल करके बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है, उसकी कामयाबी आज यहाँ तक लाई है कि हमें आंसू निकल रहे खुशी के। बस इसके आगे हम भी क्या बोले, हम भी बहुत खुश है वो आगे बढ़े, इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाए, जो देश के लिए करना चाहती है वो कामयाब हो इस चीज़ को लेके। आप सब मीडिया वाले वगैरह जो देश के अपने हैं वो सब इनकी मदद करें इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए, बस ये कहना चाहते हैं हम। अंकिता पढ़ाई में शुरू से कैसी रही, आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा? हाँ वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखी उसने, हमेशा प्रोग्रेस पे ही रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आई उनको एजुकेशन में? एजुकेशन में इनको तो नहीं आई, पर हमें इनको पढ़ाने में परेशानी आई है, इनको तो जितना हो सके हमने करा है, आज इस काबिल बन गई है कि वो खुद कुछ कर सके। अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप औरों को? औरों को भी बोले बेटियों को पढ़ाए, इस काबिल बनाए कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। आज हमारी बेटी करी है तो कल उनकी बेटियां भी करेगी, ये संदेश है कि माँ बाप बेटे बेटियों पे अंतर करते हैं वो ना करें। आज हमारी बेटी करी है तो हमें खुशी है कि आज बेटे ने जो नहीं करा हमारी बेटियों ने वो कर दिखाया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।